हेलो गाइस, वेलकम टू द एज एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने सीनियर से मिलाऊंगा जिनका प्लेसमेंट बीपीसीएल में हुआ है। तो बॉस, थैंक्स फॉर कमिंग टू द एज एकेडमी। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू दोज हु वांट टू टेक द प्लेसमेंट इन द बीपीसीएल। एंड तो बॉस, प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रोसीजर क्या था बीपीसीएल का। सबसे पहले वो सीजीपीए के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर आप किसी जीपीए कैटेगरी वाइज वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, एक कैटेगरी से 10 लोग होते हैं। उसके बाद वो जेडी होता है, डायरेक्ट ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें एक वो केस स्टडी देते हैं। तो केस स्टडी में क्या, एक जनरल टॉपिक होता है, मोस्टली वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद जेडी में वो कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तकरीबन 50% लोग एलिमिनेट हो जाते हैं जेडी में। उसके बाद फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होता है, दो राउंड इंटरव्यू होता है, पहला टेक्निकल होता है और दूसरा एचआर इंटरव्यू होता है। तो ये जो इंटरव्यू होता है वो 2 दिन चलता है। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है टेक्निकल वाला, वो फर्स्ट दिन होता है, उसमें आपको टेक्निकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरे दिन एचआर इंटरव्यू होता है, जिसमें कि जो एचआर लोग होते हैं वो आते हैं, तो वो तुम्हें बेसिक एचआर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये प्रोसीजर है। तो बॉस, आपने बोला कि केस स्टडी हुआ था, जीडी की जगह केस स्टडी हुआ था, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब, और कैसे, मतलब, उसकी तैयारी करें स्टूडेंट्स, मतलब अगर होता है बीपीसीएल में वो अटेम्प्ट करते हैं तो कैसे उसकी तैयारी करेंगे? एक्चुअली तैयारी के लिए एज सच कोई प्रोसीजर नहीं है। केस स्टडी के लिए वो एक A4 शीट पे एक पूरी केस स्टडी आती है। तो सबसे पहले वो आपको 5 मिनट देंगे, तो उससे आप आराम से उसे पढ़ लीजिए, फिर उसको इन्वायरमेंट से जोड़ने की कोशिश कीजिए, फिर अपने पॉइंट्स बना लीजिए। उसके बाद वो एक एक करके सबको मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मार्केट नहीं बनेगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा। तो अगर आपके पॉइंट्स स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो बॉस, कई बार क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, तो मतलब उनको ऐसे में दिक्कत आती है, तो सॉफ्ट स्किल्स के लिए मतलब स्टूडेंट्स कहाँ से तैयारी कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। ग्रुप डिस्कशन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे टेक्निकल राउंड में पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं निकाल दूंगा, पर उससे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, मैं उसमें एलिमिनेट हो जाता था। तो उसके लिए मैं क्या किया कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके हम रोज़ एक टॉपिक डिसाइड करते थे और रात को हम फ़ोन पे उस पर डिस्कशन करते थे। वो प्रोज बोलती थी, मैं कॉन्स बोलता था, या ऐसे वाइस वर्सा। तो रोज़ का हमारा यही शेड्यूल था कि हम एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करते थे। तो इससे मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। मतलब बॉस ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई कि जिन लोगों की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है वो क्या करें कि ग्रुप बना ले और ग्रुप में डिस्कस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उनके जो प्लेसमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो अब मूव करते हैं बॉस आपके इंटरव्यू की तरफ। मतलब इंटरव्यू में, मतलब जो आपका जो पहला दिन था, टेक्निकल राउंड था, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? एक्चुअली मैं फर्स्ट इंटरव्यू में काफ़ी नर्वस था, तो उन लोगों ने पहले ही देख लिया कि ये काफ़ी नर्वस है, तो पहले मुझे काफ़ी रिलैक्स करवाया। काफ़ी 8-10 लोगों का पैनल था। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने रेज्यूमे मांगा, तो रेज्यूमे में उन्होंने मेरी ट्रेनिंग देखी। तो मैंने कुछ IOCL वडोदरा से ट्रेनिंग की थी, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स थे मेरे, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मतलब सिंपल बेसिक क्वेश्चन। तो एक हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन पे था, तो उस पर उन्होंने कर्न्स मेथड होता है हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन के लिए, तो वो मेथड पूछा। तो पूरा प्रोसीजर क्या होता है तो वो उनको बताया मैंने। बाकी और उसके अलावा इंटरव्यू, जैसे कि आपका जो मेरा प्लान था इंटर्न के टाइम, जो प्लान था उसके बारे में, जो उसका बेसिक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो पूछा। मतलब इंटर्न ने काफ़ी आपके मतलब प्लेसमेंट में फ़ायदा दिलाया। तो बॉस, इंटर्न करते टाइम क्या क्या, मतलब मतलब जो स्टूडेंट्स उनको क्या क्या लर्निंग के लिए फोकस करना चाहिए, मतलब कैसे उनको इंटर्न करनी चाहिए ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके? एक्चुअली पहले तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको प्लेसमेंट किस में चाहिए, कोर में चाहिए या नॉन कोर में चाहिए। उसके हिसाब से आपको इंटर्न करनी चाहिए। अगर आपको कोर में प्लेसमेंट चाहिए तो आप कोर कंपनी में इंटर्न करो। और इंटर्न करो तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो भी जो प्लांट है और उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ लो, बस इतना ही। इक्विपमेंट्स के बारे में मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अब मूव करते हैं बॉस आपके एचआर इंटरव्यू के बारे में, जिसमें मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि यार एचआर में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि वहाँ लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? एचआर में कुछ नहीं, सिंपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वही पूछे जाते हैं हर जगह। तो मैंने भी पहले वो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए थे, बाकी ऐसे मतलब किसी के साथ मिलके उन क्वेश्चन को एक बार रिहर्सल कर लिया था उनका। तो एचआर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, बाकी स्मूथ था इंटरव्यू।
मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे वहाँ पे, मतलब हर जैसे नॉन कोर कंपनी होती है तो उनका अलग रहता है, मतलब 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे या फिर वाइस वुड आई हायर यू, ऐसा टाइप के कुछ टाइप के क्वेश्चन थे? फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ था, तो उसमें मैंने अपनी जो स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ के बारे में बताया, उसके बाद में वाई शुड वी हायर यू एंड वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन BPCL, तो उसमें आपको जो BPCL की कल्चर वैल्यू है उसको इंक्लूड करते हुए डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो वो आपको पहले BPCL की साइट से उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो BPCL कंपनी है वो कैसे महारत्ना बनी, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसर, आपका आंसर फ्रेम करके उसे बोलना पड़ेगा। मतलब ये पॉइंट बॉस ने भी डिस्कस किया है, और जैसे बहुत लोग पहले भी एजु अकेडमी पे जो लोग आए हैं उन्होंने भी डिस्कस किया है कि अगर आप किसी भी कंपनी का एचआर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि प्रोडक्ट की डिटेल, कंपनी की डिटेल, और जो वाई शुड आई हायर वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आप रिलेट करके आंसर दीजिए कि हम क्यों आना चाहते हैं, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है और आपकी कंपनी भी इसी भी काम पे करती है, तो हम दोनों मैच करके मतलब उसका कंपनी में काम करेंगे, मतलब आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से लिंक करके इसका आंसर देना। तो बस थैंक्स फॉर कमिंग टू द एजु अकेडमी, और हम जानना चाहेंगे कि आपका BPCL में जैसे आप अभी काम ही कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ऐसे अभी तो प्लेसमेंट होने के बाद मतलब काफी अच्छी खुशी मिली थी, अभी लोकेशन भी अच्छी है कोची, तो वहाँ काम करने भी काफी मजा आ रहा है, मतलब जो कुछ भी आप लोग सीखे हैं डिस्टिलेशन कॉलम में कैसे टेम्परेचर प्रेशर वेरी करता है, जो आप मास ट्रांसफर में सब कुछ पढ़ते हैं, तो वो सब वो अप्लाई करने में काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है वो सब देख के। तो बस लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स BPCL के लिए तैयारी करते हैं या फिर गेट के लिए BPCL लेना चाहते हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, मतलब क्या है उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले आप लोग अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लो, तो वो सबसे पहले इंटरव्यू में अगर टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे, तो आपको जो अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस वो पूरे अच्छे से आना चाहिए, उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पहले आप बोलो कि मेरा मास्टर आंसर फेवरेट सब्जेक्ट है फिर उसमें से वो कुछ पूछें फिर आप बोलो कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं आता, तो वो बैड इंप्रेशन जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप कोई सब्जेक्ट बोल रहे हैं कि ये मेरा फेवरेट है तो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए वो, तभी आप वो बोले, नहीं तो नहीं बोले। और इसके अलावा आप 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लें, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूछते हैं कि आपके 5 फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो ऐसे लिस्ट बना ले कि सबसे फेवरेट आपका कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है ऐसे। और बाकी अपना कंसेप्चुअली ऐसे फॉर्मूला कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता, केवल कंसेप्ट पूछते हैं, तो कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और बाकी सबको ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए आराम से मिलके। तो आई होप कि ये वीडियो जो लोग BPCL की तैयारी करना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि BPCL एक बहुत बड़ी PSU है, बहुत ड्रीम कंपनी है बहुत लोगों के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हो सकता है मैं बॉस से कॉन्टैक्ट करके आपको उसका आंसर दे दूँ। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बॉस थैंक्स अगेन फॉर कमिंग टू द एजु अकेडमी। थैंक यू। थैंक यू।